हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपसे बात करेंगे एक नए रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि है एनडीए 2018 यानी कि राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी। जी हाँ दोस्तों, एनडीए फर्स्ट 2018 आवेदन पत्र 10 जनवरी 2018 से जारी किए जाएंगे। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी और नौसेना एकेडमी को आमतौर पर एनडीए यानी कि एनए भी कहा जाता है। ये एक राष्ट्रीय स्तर प्रवेश परीक्षा है जिसको संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी द्वारा आयोजित किया जाता है हर साल। इस परीक्षा के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों को भारतीय रक्षा सेवाओं में भर्ती किया जाता है। जो उम्मीदवार भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। 12वीं कक्षा के छात्र इस परीक्षा के लिए योग्य होंगे। एनडीए एग्जाम को एक वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है दोस्तों। परीक्षा के बाद चयनित उम्मीदवारों को SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार यहाँ एनडीए 2018 की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, अब बात आती है एनडीए 2018 की इम्पोर्टेंट डेट्स क्या क्या है। तो दोस्तों, आवेदन शुरू होने की तिथि है 10 जनवरी 2018, वहीं एनडीए 2 के लिए 6 जून 2018 है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि एनडीए फर्स्ट के लिए 5 फरवरी 2018 है, वहीं एनडीए सेकंड के लिए 2 जुलाई 2018 है। प्रवेश पत्र जारी होने की तिथि एनडीए फर्स्ट के लिए परीक्षा के 1 या 2 सप्ताह पहले होगी, और वहीं एनडीए 2 के लिए भी परीक्षा के 1 या 2 सप्ताह पहले होगी। और अब आपको बता दें कि एनडीए फर्स्ट की परीक्षा तिथि है 22 अप्रैल 2018, वहीं एनडीए 2 की परीक्षा तिथि है 9 सितंबर 2018। परीक्षा परिणाम घोषणा तिथि मई को होगा। जी हाँ दोस्तों, एनडीए फर्स्ट का रिजल्ट मई 2018 में आएगा, वहीं एनडीए सेकंड का रिजल्ट अक्टूबर 2018 को आएगा। एनडीए 2018 के आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही भरे जाएंगे। एनडीए फर्स्ट की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 जनवरी 2018 से आरंभ हो जाएगी। एनडीए की पंजीकरण प्रक्रिया 2 भागों में की जाएगी, यानी कि पंजीकरण फर्स्ट और पंजीकरण सेकंड। हमारा मतलब है रजिस्ट्रेशन से दोस्तों। आवेदन पत्र भरने से पहले उम्मीदवार अपनी फ़ोटो और हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर को निर्धारित प्रारूप में स्कैन करके रख लें। आवेदक कई आवेदन जमा करने से बचें, अन्यथा उनका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों अपना आवेदन पत्र जमा करने से पहले सभी प्रविष्टियों को जांच लें। अंत में अपने भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट भविष्य के संदर्भ के लिए रख लें अपने पास। उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के तौर पर 100 रुपये का भुगतान करना होगा। जो लोग भूतपूर्व सैनिक, जूनियर कमीशन अफसर, NCO और सेना के अन्य रैंक के बेटे हैं, उन्हें आवेदन फॉर्म के लिए किसी भी शुल्क का भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ई चालान जैसे विकल्प उपलब्ध होंगे। ई चालान के द्वारा शुल्क जमा करने वाले आवेदक SBI बैंक की किसी भी शाखा में जाकर नकद भुगतान कर सकते हैं। उम्मीदवार एनडीए 2018 के लिए आवेदन करने से पहले न्यूनतम पात्रता, हमारा मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आवश्यकताओं को अच्छी तरह से जाँच लें। आवेदक एनडीए 2018 के लिए शैक्षिक योग्यता, आयु मानदंड और वैवाहिक स्थिति की जानकारी आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि उम्मीदवार भारत का नागरिक या भूटान, नेपाल, तिब्बत का शरणार्थी होना चाहिए। एक तिब्बती शरणार्थी जो कि 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से आया हो वो आवेदन के लिए योग्य है। एक भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे के साथ बर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान और केन्या के पूर्वी अफ्रीकी देशों तंजानिया, संयुक्त गणराज्य, युगांडा, जाम्बिया, जायरे, मलावी और इथोपिया या वियतनाम से चले आए हैं वे भी आवेदन के लिए योग्य हैं दोस्तों। केवल अविवाहित पुरुष उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो छात्र 2 जुलाई 1999 के बाद और 1 जुलाई 2002 से पहले पैदा हुए हैं वे एनडीए फर्स्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिनका जन्म 2 जनवरी 2000 के बाद और 1 जुलाई 2003 से पहले हुआ है वे एनडीए सेकंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो छात्र 12वीं कक्षा को उत्तीर्ण कर चुके हैं या अभी 12वीं कक्षा में हैं वो आवेदन पत्र भर सकते हैं। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 12वीं, जो कि भौतिक विज्ञान और अंकशास्त्र के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी तथा नौसेना अकेडमी में दाखिले के लिए उम्मीदवारों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से फिट होना चाहिए। वहीं अब बात करते हैं एनडीए परीक्षा का प्रारूप क्या है। एनडीए 2018 की परीक्षा कलम और कागज आधारित होगी, हमारा मतलब है पेपर और पेन बेस्ड। परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी, सुबह और दोपहर में आयोजित की जाएगी।
प्रश्न पत्र में केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न शामिल होंगे। प्रत्येक पेपर की अवधि 2 घंटे और 30 मिनट की होगी। परीक्षा 2 पेपर में आयोजित की जाएगी। पहला पेपर गणित का होगा, जबकि दूसरा पेपर परीक्षार्थियों की सामान्य क्षमता का परीक्षण करेगा। प्रश्न पत्र हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा में भी निर्धारित किए जाएंगे। गलत जवाब देने पर नकारात्मक अंकन भी किया जाएगा। NDA का सिलेबस 2 वर्गों यानी कि गणित और सामान्य योग्यता टेस्ट में विभाजित किया गया है। सामान्य क्षमता खंड 2 भागों यानी कि अंग्रेजी और जनरल नॉलेज में बांटा गया है। गणित का प्रश्न पत्र 12वीं के स्तर का होगा। गणित में प्रश्न त्रिकोणमिति, अंतर्कलन, बीजगणित, समाकलन गणित, वेक्टर बीजगणित आदि जैसे विषयों से पूछे जाएंगे। तो आगे की सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही इंतज़ार कीजिए हमारी नेक्स्ट अपडेट का।